गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुंदर ग्लोबल स्कूल। और हम मैथ्स में चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे एपी के, फिर हम जो क्वेश्चन 4 था लास्ट पीस में बता रहे कि ये एपी बनती है या नहीं, जो टर्म्स गिवन इनसे एपी बन रही है या नहीं बन रही, अपन से पूछा था। अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बाकी सारे तो किए थे। लास्ट में 12th और 13th जो रह गया था वो मैंने आपसे कहा था कि मैं करवाऊंगी। तो 12th क्वेश्चन इस तरह से है। अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस डी ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस डी। अब डी है तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, ए टू माइनस ए वन करके। तो देखो यहाँ ए टू की वैल्यू कितनी है, रूट एट। ए वन की वैल्यू कितनी है, रूट टू। अब रूट एट में से रूट टू तो किस तरह से माइनस करें, तो आपको क्या करना, अब रूट एट को इस तरह से लिखना है कि उसमें रूट टू भी आए। अब जैसे रूट एट को तो आपको पता है कि टू रूट टू अपन लिखते हैं, लेकिन जैसे किसी किसी को डायरेक्ट नहीं आ तो वो कैसे लिखेंगे, जिसको डायरेक्ट नहीं आ कि रूट एट को टू रूट टू लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, एट का एलसीएम लो। क्या लो, एट का एलसीएम, टू 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 की टेबल में एट आता है फोर, वापस किया इसको टू से, क्योंकि टेबल में फोर आता है टू बार, वापस किया टू से वन बार। अब इसमें देखो पेड़ बनाना है, सीधा सा क्या करना है, पेड़ बनाना है दो दो का, कितने का, दो दो का, इन दो का पेड़ बनाना है। मतलब जिसका पेड़ बन रहा है वो आपको पूरा लिखना है, जिसका पेड़ बन गया वो आपको पूरा लिखना है, जो बच गया, जो क्या हो गया, बच गया उसको रूट में लिख, जिसका पेड़ बन गया वो तो आ गया, और पीछे जो बच गया उसका क्या लिख दोगे, उसको आप रूट के अंदर लिख दोगे। तो इस तरह से आपको ये देखना है, इस तरह से आपको ये करना है कि जिसके पेड़ बन गए वो एज इट इज लिख दो, और जो बच गया उसको रूट के अंदर लिख दो। अब देखो यहाँ से रूट टू कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, टू माइनस वन, टू माइनस वन तो वन ही होता है, मतलब रूट टू। देखो यहाँ से तो बी रूट टू आ रहा है। नेक्स्ट देखो ए थ्री माइनस ए टू, देखो थर्ड टर्म क्या है, रूट एटीन माइनस सेकेंड टर्म क्या है, रूट एट। रूट एटीन और रूट एट है सेम चीज, रूट एट तो हमें पता है क्या लिखेंगे, टू रूट टू, रूट एटीन को लिखना है तो एटीन का क्या लिखेंगे, एलसीएम। टू नाइन से एटीन, नाइन को करेंगे थ्री से, तो ये जाएगा थ्री टाइम, फिर अगेन थ्री से चला जाएगा वन टाइम। तो इसमें पेड़ किस किस का बन रहा है, थ्री का, जिसका पेड़ बन रहा है वो एज इट इज, जो एक बचा है उसको रूट में, तो ये हो गया थ्री रूट टू। तो देखो रूट टू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, थ्री माइनस टू, और थ्री माइनस टू वन होता है, तो यहाँ पे आके रूट टू का रूट टू ही बचेगा। फिर नेक्स्ट डी निकालेंगे, ए फोर माइनस ए टू, ए फोर कितना है, रूट थर्टी टू माइनस रूट एटीन, अपन थर्टी टू को क्या लिखेंगे, सेम चीज क्या लेंगे अपन, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो टू की टेबल में आता है सिक्सटीन बार, फिर टू की टेबल में सिक्सटीन एट बार, टू की टेबल में एट फोर बार, टू की टेबल में फोर टू बार, टू की टेबल में टू वन बार, पेड़ बनाओ, ये दो के बन गए, ये दो के एक बच गया, कितने के पेड़ बन गए, दो के, तो टू मल्टीप्लाई टू, और ये अकेला बच गया रूट टू, तो टू टू सा फोर रूट टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू, रूट टू कॉमन लगे तो सेम चीज आंसर क्या आएगा, रूट टू ही आएगा, क्योंकि फोर माइनस थ्री वन होता है, तो रूट टू का रूट टू। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब कि ये एपी बना रहा है, तो कॉमन डिफरेंस रूट टू रूट टू रूट टू सेम है, मतलब ये एसिड फॉर्म से एपी। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेम टू सेम, जैसे पिछले वाला किया वैसे ही ये होगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें भी अपन कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा डी, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू रूट सिक्स, इसकी वैल्यू रूट थ्री। तो देखो रूट सिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट सिक्स को आप क्या लिखोगे, तो रूट सिक्स को अपन लिख देंगे रूट में ही थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री, इन दोनों को अलग अलग पढ़ लो, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट थ्री बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, रूट टू माइनस वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकाल के देखो डी, ए थ्री माइनस ए टू होता है, थर्ड टर्म क्या है, रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, रूट नाइन माइनस रूट सिक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो आप
नाइन्थ के लिए चाहिए, बताए ठीक है स्क्वायर रूट होता है, लेकिन इसको आप रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री ही लिखो, ठीक है, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट इसको आप लिखोगे ब्रैकेट में ही रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, रूट थ्री अगर मैं बाहर ले लूंगी तो यहाँ पे क्या, और सिक्स को क्या लिखेंगे, रूट सिक्स को तो अभी ऊपर लिखा ही था आपने ब्रैकेट में ही रूट थ्री मल्टीप्लाई टू, इसको एक में ही लेने को भैया आप चाहो तो कई बात ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रूट थ्री बाहर लेंगे तो अंदर एक रूट थ्री बचा, एक रूट थ्री बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट थ्री बचेगा माइनस एक रूट थ्री बाहर लेने तो अंदर क्या बचा, रूट टू बचा, क्या बचा रूट टू, तो देखो यहाँ पे क्या सेम क्या फर्स्ट और सेकंड से पता चल गया कि ये दोनों सेम नहीं है, हियर बी इज नॉट सेम, बी सेम नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी की एपी नहीं बनाता है, ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये करना था जो अपन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब देखो अपने कहा था कि लास्ट, अब ये एक्सरसाइज तो हुई, अब अपने nth टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी कैसे भी एपी गिवन हो उसके बीच में से आपसे कोई टर्म पूछ ली, कि बीच में से कोई टर्म पूछ ली, जैसे चार टर्म से गिवन स्टार्टिंग किया आपसे पूछा कि 10th टर्म क्या होगी, 12th टर्म क्या होगी, 16th टर्म क्या होगी, आपसे 99th टर्म पूछ ली, तो क्या 99 तक एपी को लिखते रहेंगे क्या, नहीं 99 टाइम्स एपी थोड़ी लिखेंगे, इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ये nth टर्म ऑफ एन एपी, किस तरह निकालते हैं कि अगर ए फर्स्ट टर्म में किसी एपी की और बी कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म मतलब कोई से भी टर्म कैसे निकालेंगे कि a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b, a मतलब कोई से भी टर्म जैसे 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म n की वो वैल्यू होगी, n क्या होगी जो भी आपकी एपी की टर्म है वो यहाँ पे n होगा, a आपको पता है फर्स्ट टर्म होगा, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर क्या करते हैं a टू निकालने के लिए क्या करते हैं a प्लस बी, तो और फिर इसी दिया फिर a प्लस बी, फिर a प्लस टू डी करते हैं ना अपन, a प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म के लिए, फिर इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक तरह से ये वही तो फॉर्मूला है जनरल टर्म से, अपन को आपको पता है जनरल टर्म अपन लिखते हैं a प्लस बी a प्लस टू डी, तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, तो सेकेंड में डी एक टर्म है, थर्ड में डी एक टर्म है, तो बस यही तो फॉर्मूला है कि कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में एन माइनस वन डी एड कर दो, मतलब जो भी डी है उसको एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करके एड कर दो, तो अपन को कोई सी भी टर्म मिल सकती है, इसका यही मतलब है, ठीक है, तो ये थी, और ए को हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, अगर लास्ट टर्म है मतलब कुछ काउंटेड टर्म से उसमें, तो उसको अपन एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर लास्ट टर्म को अपन एल से भी डिनोट करते हैं, किससे से भी डिनोट करते हैं, फिर तो आपके कुछ एग्जांपल्स ही है, तो अपन बिना डायलिस के अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, तो मेरे 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को फाइंड करना है, एपी देखो इसमें ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 8 है, तो ए एन अपन को फाइंड करना है, ए एन अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब आपको पता है कि भाई ए एन की वैल्यू अगर गिवन है, किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे आपको, तो आप किस तरह से इसको अपन फाइंड करेंगे, तो देखो ए तो गिवन है, अपन को फॉर्मूला तो आता है ना कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अब एन ए है, ए तो ये एन तो ए नहीं रहेगा, बस एन की जगह एट आ जाएगा, मतलब एट के टर्म की बात कर रहा है, किसकी टर्म, एट टर्म, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 डी, यही होगा, यही आपकी वैल्यू आएगी, या फिर यहाँ पे आप ए एन रखना चाहो तो सिर्फ ए एन भी रख सकते हो, उसका मतलब होगा कि वो आपको एट टर्म की बात कर रहा है, किसकी टर्म, आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप उसको यहाँ पे ए एन ही रहने दो, क्योंकि ए एन की तो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं 7 प्लस डी की वैल्यू 3 है, यहाँ तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट जाएगी,
बी की वैल्यू कितनी है 3, 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 3, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 21, तो an की वैल्यू आ गई 28, क्या आ गई 28। ठीक है, इसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से क्या होगा सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड में क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू माइनस 18 जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे, a की वैल्यू माइनस 18, n की वैल्यू 10, an की वैल्यू 0, तो अपन को d की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है इस बार d की वैल्यू निकालनी है, बिनो फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा है, an की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस 18 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d, तो देखो 0 इक्वल टू माइनस 18, 10 माइनस 1 9 d, 18 इधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 18 इक्वल टू 9 d, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह देखो फिर थर्ड में a निकालना है, फोर्थ में n निकालना है और फिफ्थ में आपको वापस an निकालना है। देखो आप अब ये कर सकते हो ना इजी है, तो बस जो वैल्यू गिवन है वहां पे वैल्यू रखो, जिसकी नहीं गिवन है फिर उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आई डोंट थिंक इसमें अब और कोई प्रॉब्लम होगी, चलो ये फिर भी ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवा दे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवा देती हूँ। फोर्थ में आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है ए, ए की वैल्यू क्या है माइनस 18.9, माइनस 18.9, बी की वैल्यू क्योंकि हाँ डी की वैल्यू है 2.5, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, एन तो निकालना है, एन की वैल्यू है 3.6, एन की वैल्यू है 3.6 और एन की वैल्यू अपन को निकालनी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस, और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको लिखना है, एन की वैल्यू 3.6, इसकी वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि एन की वैल्यू अपन को पता नहीं है लेकिन डी की वैल्यू है 2.5, माइनस के इधर जाके किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5 ही रहेगा यहाँ पे, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 22.5, कितना आएगा 22.5 मल्टीप्लाई इधर किसमें आ जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो देखो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आंसर आएगा 9, क्या आएगा 9, n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 1 इधर चला जाएगा तो 9 प्लस 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10, तो मतलब कि इसमें ये कौन सी टर्म है, ये 10th टर्म, इसका यही मतलब है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते थे, क्या है चूज दी करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जस्टिफाई, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, अपन को बताना भी ऐसा क्यों आया था, तो फॉर्मूले से ही बता पाएंगे अपन। 30th टर्म निकालने की सेफ थी, सबसे पहले डी देख लो क्या फेल है, 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, मतलब ये तो सेम है। 30th टर्म निकालने कौन सी टर्म, 30th टर्म क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है देखो एटी आपके क्या गिवन है 10 7 4 डैश डैश डैश, इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 30th टर्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए क्या होता है जो फर्स्ट टर्म होती है, तो वो क्या हो गई 10, बी बी किस तरह निकलता है ए टू माइनस ए वन से निकलता है, तो ए टू की वैल्यू 7 ए वन की वैल्यू 10, तो ये हो गया आपके माइनस 3, फिर बस यही है, तो फॉर्मूला क्या होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 30 टर्म निकालने, तो एन की वैल्यू क्या है 30, तो ए 30 इक्वल टू क्योंकि 30th टर्म अपन निकाल रहे हैं इसलिए आप यहाँ पे 30 लिखूंगी, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की जगह आ जाएगा आपके माइनस 3, डी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 माइनस 3, जब आप 29 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 87 आएगा, क्या आएगा माइनस का 87, तो ए की 30th वैल्यू हो जाएगी माइनस का 77, क्या हो जाएगी माइनस का 77 वो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपने ये क्वेश्चन
हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस 77 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस का 77। इस एपी की 11th टर्म निकालनी है, इसका देखो सेकंड एपी गिवन है अपन को माइनस 3 माइनस 1/2 टेस्ट। कौन सी टर्म निकालनी, 11th टर्म अपन को निकालनी है, ठीक है। तो देखो सेम चीज, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 3, कौन सी टर्म निकालनी 11, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 11, बी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन से, तो सेकेंड टर्म क्या है माइनस हाफ माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस हाफ प्लस 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आएगी 5/2, ऐसे मिलकर सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 5/2, 3 2 6 6 माइनस 1 5/2, तो निकाल लेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। 11th टर्म निकालिए तो ए की वैल्यू माइनस 3 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 5/2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 2 गया 5/5 25 25 माइनस 3 कितना होता है 22 होता है, कितना होता है 22, तो अपना आंसर क्या गया 22। मतलब कि यहाँ से क्या जाएगा अपना आंसर 22 बी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो अपन निकालेंगे कैसे, देखो इधर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, कि अपन को मिसिंग टर्म निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड नहीं गिवन है और थर्ड गिवन है, मतलब अपन को सेकंड टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म तो है अपने पास और फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो देखो इस तरह से अपन को तो फर्स्ट टर्म से मतलब होता है ना अधिकतर, तो वो तो है ही ना आपके पास में, तो देखो क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपन को पता है कि फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3 और थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को अपन क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं 26, थर्ड टर्म को ए 3 लिखते हैं तो वो है अपने पास में 26, ठीक है। तो देखो अपन को फॉर्मूला पता है कि ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है, ये थर्ड टर्म है तो एन की जगह 3 आ गया, ए की वैल्यू 3 प्लस, देखो थर्ड टर्म है इसलिए एन की जगह क्या आएगा 1, तो इससे अपन को डी की वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, और थर्ड टर्म क्या है 26 इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 2d, 3 इधर चला जाएगा तो 26 में से 3 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 2d, 26 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 है, a की वैल्यू 2 है 3 नहीं है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 यही होता है सबके लिए, फॉर्मूला तो यही होगा अपन को, तो ए 2 की वैल्यू निकालिए तो ए 2 इक्वल टू ए, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की जगह 2 माइनस 1, डी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली 12 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
में अपन को 1 2 3 फोर में से सेकंड और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकंड और फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे तो देखो सेकंड टर्म क्या है 13, 13 और 3, सेकंड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 3। अब ये कैसे करेंगे अपन, ये किस तरह से अपन करेंगे, कैसे में कैसे तो सॉल्व होगा ही होगा ना, आंसर तो आएगा ही आएगा, तो कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले ए टू के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए टू इक्वल टू या ए एन वाला फॉर्मूला ए की बार लिख लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर सेकेंड टर्म, फॉर सेकेंड
सेकंड टर्म में मतलब एन की जगह टू आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो अपन को पता नहीं इसलिए ए ही रहेगा, एन की जगह टू माइनस वन और डी, डी की वैल्यू भी पता नहीं है तो यही रहेगा। ए टू है कितना 30 इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी ही रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो। अब देखो फॉर थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म मतलब एन की जगह थ्री, एन की वैल्यू पता नहीं है, एन की जगह आ जाएगा थ्री माइनस वन डी, फोर्थ टर्म सॉरी यहाँ पे आपके फोर्थ टर्म ही बने ना, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म एन की जगह फोर्थ, यहाँ पे भी एन की जगह फोर, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है थ्री इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन थ्री, तो थ्री डी। अब दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, क्या कर लो माइनस, दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो देखो 13 इक्वल टू ए प्लस बी, थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये तो कट हो जाएगा, 13 में से 3 गया 10। देखो माइनस बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए साइड माइनस का, थ्री माइनस वन टू डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का फाइव, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का फाइव आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आ गई तो इसको अपन इक्वेशन वन में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, तो यहां से ए आ जाएगा अपन के पास में 13 इक्वल टू ए प्लस बी की जगह माइनस फाइव, माइनस लगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18, क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, मतलब देखो ये वाली वैल्यू तो मिल गई अपन को 18, ये वाली वैल्यू कितनी है 18, 18 में से 5 गया 13, 13 में से वापस 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे देखो थर्ड वैल्यू फॉर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपन को निकालना, आप चाहो फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप चाहो तो डायरेक्ट, थर्ड टर्म कैसे निकलती है ए टू माइनस ए वन डी अपन को पता है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होता है ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू, बी की वैल्यू माइनस फाइव, थर्ड टर्म अपन को निकाली माइनस ए टू, टू की वैल्यू क्या है 13 है, ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, 13 को इधर भेज दो, माइनस फाइव प्लस 13 इक्वल टू ए थ्री, ए थ्री की वैल्यू हो जाएगी एट, कितनी हो जाएगी एट, चाहो तो वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ, मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसमें नेक्स्ट वीडियो। देखो फर्स्ट और फोर्थ तो सेम ही, क्योंकि देखो फोर्थ में फर्स्ट टर्म भी वन है, लास्ट टर्म क्या है फर्स्ट, कितनी कौन सी टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म है, तो मतलब आपको ए सिक्स भी वन है और ए की वैल्यू भी वन है, मतलब एन की वैल्यू तो हो गई क्या सिक्स और ए की वैल्यू माइनस फोर, तो भी निकल सकता है जैसे फर्स्ट किया वैसे ही आप लोग फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और जिस तरह से अपन ने अभी सेकेंड किया है उसी तरह से आप फिफ्थ कर सकते हो, और थर्ड भी इजी, थर्ड में भी फर्स्ट और लास्ट टर्म भी वन है, तो ये आप इजी बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हो, ओके। आप लोग प्रैक्टिस करना इनको करने की, वरना अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व तो करेंगे ठीक, ओके। तो आपको इनको सॉल्व करने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी, तब तक बाय, स्टे वा स्टे सेफ।